देखिए कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन पर आओ। सपोज कीजिए मैं एक सिंपल सा फंक्शन लेता हूं W इज इक्वल टू z स्क्वायर। पहले मतलब समझिएगा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। सर कन्फॉर्मल पर आइए, आपने कोई एक रिलेशन दे दिया W as the function of z, W is equal to u plus iv, z is x plus iy का whole square, real imaginary part separate किए x square minus y square plus 2ix, real part आ गया u बराबर x square minus y square और v बराबर आ गया 2x। सपोज कि ये पॉइंट था z प्लेन में, z प्लेन से मतलब सिर्फ 1, z प्लेन में पॉइंट था 1 2। तो अगर z प्लेन में कोई 1.12 है तो इसका मतलब x बराबर 1, क्योंकि z प्लेन में तो पॉइंट को x कॉमा y मान रहे हो ना। वही w प्लेन में कहां पहुंचेगा, w प्लेन से मतलब u भी प्लेन। अगर x बराबर 1 और y बराबर 2 रखते तो u का मान तो आ गया माइनस के 3 और v का मान, इसका मतलब z प्लेन में जो 1 प्लस 2i पॉइंट है वही तो 1 प्लस 2i होगा, 1 प्लस 2i को 1.2 लिखोगे ना। w प्लेन में वो कहां पहुंच जाएगा, माइनस 3 प्लस 4। मींस और कोई पॉइंट अगर z प्लेन का ले लें तो वो भी w प्लेन में कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। मींस w बराबर z स्क्वायर, z की हर स्पेसिफिक वैल्यू के लिए w का कोई ना कोई मान देगा। अगर z का मान आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लें तो z की उस वैल्यू के लिए w का मान निकल कर आएगा। इसका मतलब w बराबर z स्क्वायर एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो z प्लेन के हर पॉइंट को w प्लेन के किसी ना किसी पॉइंट पर मैप कर रही है। ये रहा सपोज कीजिए z प्लेन और ये रहा w प्लेन, w प्लेन से मतलब u भी प्लेन ना। आपने z प्लेन पर यहां पर कोई पॉइंट लिया, पॉइंट लेने से मतलब x y की पॉइंट, आप कहोगे x बराबर 1 y बराबर 2, तो x बराबर 1 y बराबर 2 के लिए कोई ना कोई w का मान दिया जाएगा। यहां पर कोई पॉइंट लिया, यहां पर कोई पॉइंट लिया, यहां पर कोई पॉइंट लिया, ये यहां पर कोई कर्व लिया, कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर बहुत सारे पॉइंट्स को मिला दोगे तो कर्व आ गया ना, तो यहां पर भी एक कर्व आ गया। That is W is equal to FZ transformation के द्वारा Z प्लेन के किसी ना किसी पॉइंट को या Z प्लेन के हर पॉइंट को W प्लेन के किसी ना किसी पॉइंट पर मैप कर सकते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन W is equal to FZ, Z प्लेन के हर किसी कर्व को W प्लेन के किसी ना किसी कर्व पर मैप करेगी। सपोज कीजिए यहां कोई कर्व है C1 और W प्लेन के द्वारा वो कर्व बन गया गामा 1। आपने दूसरा कोई कर्व लिया C2, W प्लेन में वो बन गया गामा 2। W इज इक्वल टू FZ एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके द्वारा Z प्लेन का हर पॉइंट W प्लेन के किसी ना किसी पॉइंट पर मैप होगा, या Z प्लेन का हर कर्व W प्लेन के किसी ना किसी कर्व पर मैप होगा। अगर आप दो कर्व Z प्लेन में ऐसे लो C1 और C2 जो पॉइंट पी पर काटे हैं, मान लिया ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा कर्व C1 गामा 1 पर मैप हो जाता है और कर्व C2 गामा 2 पर मैप हो जाता है, तब यदि C1 से C2 के बीच में जो भी एंगल है वही एंगल गामा 1 से गामा 2 के बीच में होगा। अगर ऐसा हो कि जो भी एंगल C1 और C2 के बीच में आ रहा है ठीक वही एंगल गामा 1 और गामा 2 के बीच में हो, तब हम कहेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कन्फर्म है। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसके द्वारा Z प्लेन में लिए गए दो कर्व के बीच में ठीक वही एंगल होता है जो कॉरस्पॉन्डिंग कर्व W प्लेन में जाकर उनके बीच में, कि जब कभी भी Z प्लेन के दो कर्व के बीच में ठीक वही एंगल हो जो W प्लेन में है तब वो ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल कहलाती है। और यदि एंगल बदल जाए, मैग्नीट्यूड उतना ही हो लेकिन डायरेक्शन बदल जाए, राइट के बजाय लेफ्ट में पहुंच जाए, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन
आइसोगोनल ट्रांसमिशन है। कन्फॉर्मल वो है जब एंगल मैग्नीट्यूड में भी सेम है और डायरेक्शन में भी सेम है, और आइसोगोनल तब है जब मैग्नीट्यूड तो सेम है डायरेक्शन। W is equal to FZ, the transformation which maps every point of Z plane to a some point of W plane. If C1 and C2 are two curves in Z plane intersecting at P, and gamma 1, gamma 2 are corresponding curves under the transformation FZ. Transformations के अंतर्गत C1 और C2 Z plane की कर्व है और gamma 1 और gamma 2 W plane की कर्व है. Then this transformation is said to be conform if angle between C1 and C2 is the same. Same से मतलब दोनों, both in magnitude as well as direction. As the angle between gamma 1 and gamma 2. अगर C1 और C2 के बीच में वही एंगल हो जो गामा 1 और गामा 2 के बीच में है, और एंगल डायरेक्शन में भी सेम हो और मैग्नीट्यूड में भी सेम हो, तब उस स्थिति में वो ट्रांसमिशन कंफर्म है। एंड इफ एंगल इज सेम इन मैग्नीट्यूड ओनली द ट्रांसमिशन विल बी आइसोगोनल। सपोज कीजिए जेड प्लेन में आपने दो कर्व लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये है जेड प्लेन। जेड प्लेन में आपने दो कर्व लिए, एक कर्व C1 दूसरा कर्व C1, और दोनों के बीच में C1 से C2 की तरफ थीटा एंगल है। ये दोनों के दोनों कर्व पी पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं, P पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट। अब डब्ल्यू प्लेन में गए, यू भी डब्ल्यू प्लेन, डब्ल्यू प्लेन में यही दोनों कर्व C1 एंड C2 गामा 1 और गामा 2 बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे को P डैश पर इंटरसेक्ट करते हैं, जहां P डैश है यू नॉट पी नॉट, मतलब पॉइंट पी पी डैश पर गया, कर्व C1 गामा 1 पर गया, कर्व C2 गामा 2 पर गया। अब C1 और C2 के बीच में एंगल थीटा था, सपोज कीजिए गामा 1 एंड गामा 2 के बीच में एंगल फाई, अगर थीटा और फाई दोनों बराबर है तब तो ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्म ही है, और अगर थीटा इज इक्वल टू माइनस का फाई है तब उस स्थिति में आइसोगोनल। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन पर है। इफ थीटा इज इक्वल टू फाई सर ट्रांसमिशन विल बी कन्फर्म। एक ट्रांसमिशन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड डिफाइन इन डोमेन डी विल a conformal mapping if and only if
f z f dash z is non-zero for all z belongs to b and f z is an analytic function in domain D. मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी फंक्शन किसी डोमेन में डिफाइन है तो वो फंक्शन एनालिटिक होगा अगर दो कंडीशन पूरी होंगे. नंबर एक, फंक्शन उस डोमेन में एनालिटिक है और फंक्शन का डेरिवेटिव डोमेन के किसी भी पॉइंट पर जीरो हो. हर वो पॉइंट जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव नॉन जीरो हो रेगुलर पॉइंट कहलाता है और वो पॉइंट जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो वो सिंगुलर पॉइंट कहलाता है. कारण W is equal to f z. The its transformation from z plane to W plane such that ना तो function का derivative पहले zero हो रहा है, f dash z is non-zero for all z belongs to T and f z is an analytic in domain D. आपने z प्लेन में दो कर्व लिए, एक कर्व है c1 दूसरा कर्व है c2 और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x0 मतलब z0 x0 प्लस i y0 z0 हो गया ना. Choose two curves C1 and C2 in Z plane intersecting at P. P point at X not point. मान लिया जेड नॉट पर से जेड नॉट होगा तब एक्स नॉट प्लस एंड गामा 1 गामा 2 आर द इमेजेस ऑफ C1 एंड C2 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू एफ जेड. ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड के द्वारा जो कर्व C1 है वो गामा 1 पर चला गया, जो कर्व C2 है वो गामा 2 पर चला गया. दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है से W नॉट दैट इज U नॉट प्लस I V नॉट एंड P डैश इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गामा 1 एंड गामा 2. दो पॉइंट मर्जी से हमने अपने आप इस प्रकार चुने हैं कि Z1 पॉइंट है कर्व C1 पर, Z2 पॉइंट है कर्व C2 पर और इस प्रकार है कि Z1 और Z2 Z2 दोनों की Z0 से डिस्टेंस बराबर है. अब ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, Z1 पॉइंट कहां जाएगा, गामा 1 पे जाके हो जाएगा Q1 और यहां हो जाएगा. Choose two arbitrary points, Z1 and Z2, on C1 and C2, such that two points, Z1 and Z2, I have C1 and C2 on this way, that Z1 ki Z0 se jo distance hai, utni distance Z2 ki Z0 se ho, aur maan liye ye distance R se ho. Under the transformation, W is equal to Fz. Z1, Z2 maps on W1 and W2 such that जो W1 है वो Z1 की इमेज है और W2 जो है वो Z2 की इमेज है. मान लियो W1 की W0 से दूरी है से रो 1 और W2 की W0 से दूरी If W is equal to Fz is analytic
fz will be differentiable at every point of the domain. Therefore, function का जरा z not कोई differentiable निकाल दो. F dash z not is equal to first principle से f dash a बराबर f plus h minus f a upon h. That is limit. Z goes to z not fz minus fz not upon z. तो f dash z not का मान limit z goes to z not fz minus fz not upon z minus z not non zero. अपने condition लेकर चलेंगे. अगर मैं इस z को z1 बोल दूं, इसको वेरिएबल z या z2 बोल दूं या z3 बोल दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. जो f dash z not का मान है वही z1 goes to z not fz1 minus fz not upon z1 minus z. या इसी z को z2 बोल दो, limit z2 goes to z not fz2 minus fz not upon z2 minus z not. बोला जा सकता है ना, वो तो वेरिएबल जेड है, चाहे जैसे ले लो. अगर जेड गोज टू जेड नॉट है तो जेड को जेड वन से रिप्लेस कर दे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. जेड टू को जेड को जेड टू से रिप्लेस कर दे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन एक फर्क तो पड़ गया, अगर पॉइंट जेड वन टेंजेंट टू जेड नॉट हो गया. ये पॉइंट जेड नॉट ही तो है. अगर जेड वन टेंजेंट टू जेड नॉट हो गया तो दोनों के बीच की दूरी तो खत्म हो गई. तो अगर मैं कहता हूं कि लिमिट z1 goes to z0 का मतलब इसका मतलब r tends to 0 हुई ना, implies that limit r goes to 0. fz1 कौन है? w1 minus w0 upon j1 minus z0 limit r tends to 0 w2 minus w0 upon j2 minus. अगर मैं कहता हूं कि mod z minus z not is equal to r है, आप कहते हो कि ये ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर z not होगा. अगर यहां से mod हटाया जाए तो z minus z not is equal to r ही है. अगर mod हटाना चाहते हो तो उधर कांस्टेंट टर्म को इरेज आई थी कैसे हटता है, तो ये देखिए एक अपना रहता है mod z1 minus z0 is equal to r. अगर mod हटाऊं तो z1 minus z0 बराबर r e की पावर i theta. That is limit r goes to 0 r e raise i theta. ऊपर का भी बता दो, ऐसे ही देखो ये रखा रो 1 e raise to the power i phi 1 कहते हैं अपॉन आर ई रेज टू दी पावर आई थीटा वन. यही यहां पर लिमिट आर टेंड्स टू जीरो रो टू ई रेज टू दी पावर आई फाइव टू अपॉन आर ई रेज टू दी पावर आई थीटा वन. जरा बदल लो दैट इज एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल लिमिट आर टेंड्स टू जीरो रो वन अपॉन आर ई रेस टू दी पावर आई फाइव वन माइनस थीटा वन इज इक्वल टू लिमिट आर टेंड्स टू जीरो रो टू अपॉन आर ई रेस टू दी पावर आई फाइव टू माइनस थीटा टू. और साथ ही साथ आपने कहा था कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं. एफ डैश जेड नॉट की तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? अगर इसे मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखोगे? लिमिट लैम्डा ई रेस टू द पावर आई अल्फा. अगर एफ डैश जेड नॉट का मॉड लैम्डा हो गया और आर्गुमेंट अल्फा हो गया तो इसको लैम्डा ई रेस आई अल्फा नहीं लिखा जा सकता. कंपेयर करो जो पहले और चौथे टर्म को इंप्लाइज दैट इसको इसके साथ फाइव वन माइनस थीटा वन इज इक्वल टू अल्फा एंड फाइव टू माइनस थीटा टू इज इक्वल टू ये भी अल्फा. इसको इसके साथ कंपेयर किया तो फाइव टू माइनस थीटा वन इज इक्वल टू अल्फा. इसको इसके साथ कंपेयर किया तो फाइव टू माइनस थीटा टू इज इक्वल टू अल्फा.
ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा है, ये वैल्यू तो दे रही है मोन और ये वैल्यू दे रहा है, दोनों को घटा दो जरा, 5 2 - 5 1 इसमें से ये घटा रहा हूं इज इक्वल टू थीटा 2 - थीटा 1, इसको ऐसे भी कह सकते हैं 5 1 इज इक्वल टू यहां से आ गया अल्फा प्लस थीटा 1, 5 2 इज इक्वल टू यहां से आ गया अल्फा प्लस थीटा 2, अगर दोनों को घटाओगे तो 5 2 - 5 1 बराबर थीटा 2 - थीटा 1, जेड नॉट को जेड 1 से मिलाओगे और जी करेंगे साथ जो एंगल बनेगा वही तो आर्ग्यूमेंट है, इसको मिलाया अगर इन दोनों एंगल को घटा दो तो दोनों के बीच में एंगल नहीं आ गया, इसका मतलब थीटा 2 - थीटा 1 क्या निरूपित कर रहा है, जीरो और जीरो के बीच का एंगल 5 2 - 5 1 निरूपित कर रहा है गामा 1 और गामा 2 के बीच का एंगल, जितना एंगल गामा 2 और गामा 1 के बीच में है उतना ही एंगल सी 1 और सी 2 के बीच में, इसका मतलब है ये रिजल्ट एंगल का ही तो प्रिजर्वेशन था एम्प्लाइज दैट द ट्रांसफॉर्मेशन कब टू इज इक्वल टू आर से मिल एक कंफर्म सिमिलर फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइक W is equal to F Z or B a transformation in a domain D. You see, domain in a transformation, W is equal to F Z defined here. Then, singular points of the transformation means all those points where W is equal to FZ is not conformal. हर वो पॉइंट जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल मैपिंग ना हो हर उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहेंगे और वो पॉइंट जहां पर मैपिंग कन्फॉर्मल हो उसे हम रेगुलर पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन जहां पर भी कन्फॉर्मल ना हो सारे के सारे पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होंगे इंप्लाइज दैट अब कहां पर ना होगी कन्फॉर्मल ये बता दो हर उस पॉइंट पर कन्फॉर्मल ना होगी जहां पर वो अपनी एनालिटिक सीरीज को छोड़ दे जहां पर एनालिटिक ना हो इंप्लाइज दैट व्हेनेवर एफ जेड सीजेस टू बी एनालिटिक will be a singular point that is अगर function का derivative कहीं भी zero हो रहा है तो उस point पर वो conformal होना चाहिए क्योंकि conformal होने की दो conditions हैं function का derivative zero नहीं होना चाहिए और number दो function analytic होना चाहिए अगर function का differential coefficient zero हो जाए तो वहाँ पे वो analytic कहाँ रही सॉरी वो वहां पे कंफॉर्मल कहां रही और कंफॉर्मल नहीं रही तो वो पॉइंट क्या सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा एंड सिंगुलर पॉइंट्स के अलावा बाकी कितने पॉइंट्स बचे एंड ऑल अदर पॉइंट्स आर रेगुलर मतलब अगर मुझे किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिंगुलर पॉइंट्स निकालने हैं तो मुझे नंबर एक ये ढूंढना पड़ेगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव किस जगह जीरो हो रहा है नंबर दो मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि किन किन पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है जहां भी वो एनालिटिक ना हो या जहां पर भी उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाए उन पॉइंट्स पर वो फंक्शन कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रिप्रेजेंट करेगा दैट इज वे सारे पॉइंट्स सिंगुलर पॉइंट्स होंगे ट्रांसफॉर्मेशन यस सर 1/z फंक्शन को डिफरेंशिएट करो एफ डैश जेड इज इक्वल टू -1/z² अगर जेड बराबर जीरो हो तो फंक्शन का डेरिवेटिव इंफिनिटी हो गया और फंक्शन का डेरिवेटिव इंफिनिटी हो गया तो इट मींस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही कहां कर रहा है इसका मतलब जेड बराबर जीरो इसके लिए
और जेड इंफिनिटी भी सिंगुलर पॉइंट होगा क्योंकि जेड बराबर इंफिनिटी पर एफ जेड जीरो हो जाएगा, जेड बराबर जीरो पर इंफिनिटी हो गया और जेड बराबर इंफिनिटी पर डेरिवेटिव जीरो हो गया, तो दोनों के दोनों इसके सिंगुलर पॉइंट है, जेड बराबर जीरो भी और जेड बराबर इंफिनिटी implies that z बराबर 0 and z tends to infinity, दोनों के दोनों points singular points हैं, इसके अलावा जितने points बचे हैं वे सब regular points, मैं कोई छोटी सी transformation दे रहा हूँ, say w is equal to 2z, देखो अगर किसी भी transformations को discuss करना है तो सबसे पहले आप बताओगे कि उसका singular point कौन है, क्योंकि जब transformations conformal होगी तो उन points पे तो होगी ना, करो फंक्शन का डिफरेंशियल ओरली 2, क्या 2 कभी 0 होगा? नहीं, 2 हमेशा फाइनाइट होगा, इसका मतलब वैसे भी पॉलीनोमियल है फर्स्ट डिग्री का, पॉलीनोमियल सब जगह कंटीन्यूअस सब जगह डिफरेंशिएबल होता है, इसका मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, इसका कोई भी पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कोई भी डोमेन उठा लो उसमें सारे के सारे पॉइंट्स रेगुलर पॉइंट्स ही हैं, कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं, कोई पॉइंट सिंगुलर पॉइंट इसमें नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी ये बताओ, डब्ल्यू को यू प्लस आई भी रख लिया, जेड को एक्स प्लस आई वाई, दैट इज यू बराबर टू एक्स और वी बराबर टू वाई, कंपेयर कर लिया आपने, ये जेड ले लिया और ये आपने जेड प्लेन पर कोई एक पॉइंट लिया से 1 1 1 1 से मतलब x बराबर 1, डब्ल्यू प्लेन में कहां पहुंच जाएगा 2 2 पर, 2 2 लिया डब्ल्यू प्लेन 4 4 पर, 2 3 लिया डब्ल्यू प्लेन में 4 6 पर, इसका मतलब जो पॉइंट आप जेड प्लेन में लोगे उसके दोनों के दोनों क्वाड्रेंट 2 2 गुने हो जाएंगे डब्ल्यू प्लेन में जाकर, मींस अगर यहां आपने 1 1 पॉइंट लिया है तो डब्ल्यू प्लेन में ये 2 2 हो गया, 2 2 लिया है तो 4 4 हो गया, मींस जो कर्व यहां कितनी सी लाइन है वही कर्व यहां पर जाकर इधर वाले से दुगनी वाली लाइन आएगी, दैट इज इस ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से एक्स कोऑर्डिनेट भी 2 गुना हो रहा है, y कोऑर्डिनेट भी 2 गुना हो रहा है, w बराबर 2z ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैग्निफिकेशन को निरूपित करती है जिसमें हर z कोऑर्डिनेट w प्लेन में जाकर 2 टाइम्स हो जाता है, अगर ये 2 1 से बड़ा है तो ये मैग्निफिकेशन होगा और यही 2 अगर हाफ होता तो z कोऑर्डिनेट आधे रह जाते, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता ना, अब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, अगर यहां पर जो कांस्टेंट कर्व है वो 1 से बड़ा है तो ये मैग्निफिकेशन होगा और यही जो कांस्टेंट कर्व है वो 1 से छोटा है तो फिर रिडक्शन होगा, दैट कांस्टेंट कर्व इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, दैट इज इन जनरल अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन में w बराबर mz लिखूंगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से मैग्निफिकेशन को निरूपित करेगी, ये मैग्निफिकेशन एक्सटेंशन होगा अगर m का मान 1 से बड़ा हो और रिडक्शन होगा अगर n का मान 1 से छोटा हो, ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू mz denotes द मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन को निरूपित करती है, अगर m का मान 1 से बड़ा है तो ये एनलार्जमेंट होगा, ये एक्सटेंशन होगा विस्तार, और इसी m का मान 1 से छोटा है तो रिडक्शन होगा साइज का छोटा होना, अब मूल से w बराबर z प्लस 2, u बराबर हो गया x प्लस 2 और v बराबर हो गया y, इसका मतलब अगर कोई पॉइंट आप 1 1 लेते हैं तो w प्लेन में जाकर 3 1 कौन सा कोऑर्डिनेट बड़ा कौन सा नहीं, मतलब इस दिशा में जो ऑब्जेक्ट है वो x दिशा में चलता हुआ नहीं दिखाई देगा, ये ट्रांसलेशन हो गया,
जो पहले 1-1 पर खड़ा है, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 यूनिट, दैट इज दिस द ट्रांसलेशन। इस स्थिति में जो पॉइंट है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में चलता प्रतीत होगा, और यही अगर u ले लिया जाए w बराबर z plus 2i तो y डायरेक्शन, और ले लिया जाए z बराबर w बराबर z plus alpha plus i beta दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज प्लेन में xy प्लेन में ना, x कोऑर्डिनेट भी बढ़ गया y कोऑर्डिनेट भी बढ़ गया, इट इज द ट्रांसलेशन अलोंग x एक्सिस। In general, W बराबर Z plus alpha, ये alpha complex number है, तो ऐसे कर लो Z plus Z naught denotes the translation in Z plane. तीसरी और तो तीन ही है बताने से, W is equal कुछ भी जुड़ा हुआ है, कुछ रियल जुड़ा है तो रियल डायरेक्शन ट्रांसलेशन है, कुछ इमेजिनरी जुड़ा है तो इमेजिनरी डायरेक्शन में ट्रांसलेशन है, कॉम्प्लेक्स जुड़ा है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ट्रांसलेशन है। एक लास्ट बात और रह गई कि अगर z का मल्टीपल कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो क्या डिनोट करेगा, ये सब देखना जरा। मान लिया w इज इक्वल टू रो ई रेज टू द पावर आई फाइव ई रेज आई अल्फा, z मींस r ई रेज आई थीटा, क्या आया कंपेयर करने पर, रो बराबर तो आया r और फाइव बराबर z प्लेन में अगर कोई पॉइंट लेते हैं आप r दूरी पर जिसका एंगल थीटा है, तो डब्ल्यू प्लेन में क्या फर्क पड़ा, एंगल तो सॉरी दूरी तो वही रही लेकिन फाई का मान अल्फा टर्न हो गया, थीटा प्लस अल्फा से मतलब इधर ना, दैट मींस डब्ल्यू प्लेन में ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा जहां एंगल हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, दैट इज अगर डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जेड में एम रियल है मैग्निफिकेशन होगा, एम केवल इमेजिनरी है रोटेशन होगा, W बराबर Z प्लस अल्फा में अल्फा रियल है रियल एक्सिस पर ट्रांसलेशन होगा, इमेजिनरी है Y एक्सिस के अलावा ट्रांसलेशन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है Z प्लेन में ट्रांसलेशन होगा, W बराबर AZ प्लस B जहां A और B कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोट्स रोटेशन होगा, रोटेशन भी होगा क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में लिखोगे, मॉडुलस पार्ट डिनोट करेगा मैग्निफिकेशन को और आर्गुमेंट वाला पार्ट डिनोट करेगा रोटेशन को, तो इसमें मैग्निफिकेशन भी है रोटेशन भी है और बी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ट्रांसलेशन भी है जेड प्लेन में, दैट इज डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैग्निफिकेशन रोटेशन ट्रांसलेशन सबको निरूपित करती है फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी।